और दिन हजरात कहकशां के सितारों की महफिल में आज हमारे साथ बहुत ही जाना पहचाना नाम डॉक्टर असलम परवेज साहब। डॉक्टर साहब का कोई इंट्रोडक्शन दरकार नहीं है, आप बखूबी पहचाने जाते हैं। आपके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइव करते रहते हैं और ख़ास तौर से आपकी बहुत छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी क्लिप्स जो हैं वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर सर्कुलेट होती रहती हैं। डॉक्टर साहब मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, उसके बाद 20-22 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाया है, उससे पहले आप तकरीबन 5 साल AMU में पढ़ा चुके हैं और इस दौर के बहुत कंटेम्प्रेरी एक आई वुडंट कॉल हिम स्कॉलर लेकिन स्टूडेंट हैं दीन के, और ख़ास तौर से जो उनकी साइंटिफिक अप्रोच है दीन को समझने की और समझाने की वो काबिल सताइश है, काबिल जिक्र है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जनाब, मैं भी मशकूर हूँ कि आपने ये इज्जत अफजाई करी और मुझे मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए आपके जो नाजरीन हैं उनसे मुखातिब हो सकूँ। डॉक्टर साहब बहुत सारे आपके मैंने लेक्चर्स सुने हैं, बल्कि लोग अमूमन आपको देखना बहुत प्रिफर करते हैं इसलिए कि बहुत ही ठहरी हुई और बहुत ही समझी हुई आपकी एक अप्रोच है बात को समझाने की, और आपने मजहब के तकरीबन हर पहलू पर बात की है। इन्हीं मौजूआत के ऊपर मैं छोटी सी तमहीद के साथ आपसे सवालात करना की इजाज़त चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू, दीन मुकम्मल हो गया, किताब के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी खुद क्रिएटर ने ली। इसके अलावा खुतबतुल विदा में द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह उन्होंने अपने सभी सहाबियों की शहादत में जो है अल्लाह ताला से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है। तो सर, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग कि हमारी जो किताब है दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और अनफॉर्चुनेटली सबसे कम समझी जाने वाली किताब है, तो इसका इसका डॉक्टर साहब जी आप बात पूरी कर लीजिए। मैं मेरा यही सवाल है डॉक्टर साहब, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, हर जमाने में ये हुआ है कि अल्लाह ताला ने जब भी हिदायत भेजी और उसका सिलसिला हजरत आदम से शुरू हो गया था, जिसका सबूत हमें यूं मिलता है कि सूरह बकरा में जहां शुरू में हजरत आदम के जमीन पे भेजने का जिक्र है, वहीं अल्लाह ताला ही कहता है कि अब जो भी तुम्हारे पास अल्लाह के पास से हिदायत पहुंचे, तुम में से जो लोग उसका इत्तेबा करेंगे, यानी दोज हु वुड फॉलो माय गाइडेंस, उनको किसी रंज का, गम का मौका नहीं होगा या खौफ का मौका नहीं होगा। यानी उसी वक्त जब आदम को नीचे भेजा जा रहा था, अल्लाह ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ हिदायत मेरी पहुंचेगी और जो उसको फॉलो करेंगे इन टोटेलिटी, ऑफकोर्स, क्योंकि जब आप कहते हैं कि भाई ये मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ उसको कर लो, तो इसका मतलब ये होता है कि डू इट कम्प्लीटली, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उसमें चूजी नहीं हो सकते, चेरी पिकिंग नहीं कर सकते, सिलेक्टिव नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात थी कि जब हिदायत तुम्हें पहुंचे, जो उस पर अमल करेगा उसके लिए किसी खौफ और रंज व गम का मौका नहीं होगा यकीनन। तो हर दौर में जब जब किताबें आईं, उनको वेस्टर्न इंटरेस्ट ने, क्योंकि जिन लोगों का कंट्रोल उनके नफ्स और डिजायर्स और ख्वाहिशें करती हैं, उनको हमेशा डिवाइन गाइडेंस से एक तरह से चैलेंज हुआ है और उन्हें उससे एक तरह से कहिए कंपटीशन फेस करना पड़ा है। क्योंकि इसमें एक बात बेसिक ये होती है कि जो इंसान का नफ्स है, जो उसके ख्वाहिशात हैं, उसके डिजायर्स हैं, वो उसको अपने लिए सोचने में मजबूत करती हैं, दैट इज ही और शी बिकम्स ए सेल्फ सेंट्रिक पर्सन, ए सेल्फिश पर्सन, हर चीज अपने लिए सोचता है, सारा पैसा मेरे पास आ जाए, सारी चीजें मेरे पास आ जाए, सारी जायदाद मेरे पास आ जाए, सारी शोहरत, सारी अपॉर्चुनिटीज, यू नेम एनीथिंग। इसके बरखिलाफ डिवाइन गाइडेंस जो है वो ये
आपको मोटिवेट करती है कि सर्व अदर्स, दूसरों के लिए सोचिए, उन पर खर्च कीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, एड्रेस देयर नीड्स। तो बुनियादी फर्क सिर्फ यही है। अगर आप डिवाइन गाइडेंस वर्सेस डिजायर्स देखें तो जो नफ्स है इंसान का, दिल है, ख्वाहिश है, वो उसको हर चीज अपने पास जमा करने की बात करती है, और अल्लाह की हिदायत उसको लोगों पे खर्च करने की बात करती है। तो ये कन्फ्लिक्ट बहुत रहता था, इसलिए हमेशा किताबें तब्दील होती रहीं। जैसा आपने कहा कि अल्लाह ताला ने जब ये किताब उतारी, इसको मुकम्मल किया और दीन मुकम्मल हो गया, और जैसा आपने कहा इसकी हिफाजत जिम्मा अल्लाह ने ले लिया, तो ये चीज़ तो अपनी जगह आ गई। लेकिन वो इंसान और उसका नफ्स तो जब तक इंसान जिंदा है और ये दुनिया चल रही है रहेगा। तो अब ऐसे लोग जिनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं कुरानिक टीचिंग से, जो बहुत अच्छी बड़ी सिंपल बड़ी बेसिक है, और इतनी यानी उसको मैं ये कह सकता हूँ कि यू नीड टू प्रैक्टिस इट टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट। कुरान के अहकाम पे अमल करके ही आप उसका मजा देख सकते हैं। जैसे कभी आप बहुत अच्छी चीज लाएं जिससे आप वाकिफ हों, मिसाल तौर पे आपका कोई साथी अपने मुल्क गया हिंदुस्तान, और वहां से बहुत अच्छा अचार लाया जो वाकई बड़ा जबरदस्त है, तो वो ये कहेगा भाई इसकी मैं तारीफ क्या करूँ, खुद चख के देख दो। और जैसे ही आप चखते आप कहते हैं वाकई साहब बेहतरीन हो, फिर आपको उसका चस्का लग जाता है। यही कुरान के साथ होता है। हम लोग प्रीचिंग सुनते हैं कुरान की, प्रैक्टिस कम करते हैं। तो बहरहाल ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, नफ्स थे, ये थोड़ा सा इन्होंने ये सोचा कि भैया कुरान तो चेंज हो नहीं सकता, अब हम क्या करें। तो उसी दिन से ये एफर्ट शुरू हो गए कि लोगों को कुरान से थोड़ा सा दूर हटाओ, इसको जुजदान में लपेट के ऊपर ताक में रखवा दो, और दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे कुछ और चीजें चला दो, कुछ और लिटरेचर क्रिएट कर दो, और उसी में उलझा के रख दो इन्हें। आज आप देखिए, मैं बात यदि इसको कह सकता हूँ अक्रॉस द ग्लोब कि हमारे यहाँ डिस्कशंस पेरिफेरल इश्यूज पे हैं, कोर इश्यूज पे बात ही नहीं करता कोई। कितने लोग, पहली बात तो ये कि कितने लोग इस बात को जानते हैं कि कुरान हम पे फर्ज है। मैंने जब तक कुरान समझ के नहीं पढ़ा, मुझे पता ही नहीं था कुरान मुझ पे फर्ज है। मुझे बचपन से जो फराइज बताए गए और जो हमारी यानी यहाँ तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं कि जो स्टैंडर्ड लिटरेचर है इस्लामिक स्टडीज के हों, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, वहाँ इस्लामिक प्रेयर्स आपको अलग मिल जाएंगी, और उसमें तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यही लिस्ट मिलती है। करेक्ट। इसमें इसमें कुरान कहीं है ही नहीं, जबकि सूरह कसस आप देखें तो इन्ना लजी फराजा अलैकल कुरान ला रद्दु कलमा, फराजा अलैकल कुरान, कुरान हम पे फर्ज है। कितने लोग जानते हैं? अब हम जिन चीजों को फर्ज समझते हैं उनका कितना एहतमाम करते हैं, एहतियात करते हैं। कुरान फर्ज है, और बात फर्ज की नहीं है, क्योंकि देखिए जब मैंने, मुझे इससे यानी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ कुरान को समझने का जो मेरा सिलसिला है वो तकरीबन 25 साल से ज्यादा पुराना हो चुका, और मैं उसी के साथ अपने मैसेज को लेके जगह जगह जाता हूँ, मदारिस में भी, मजमों में, स्कूल्स में, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बात करता हूँ, ताकि पहले कुरान की आयत सामने रखता हूँ, कहता हूँ देखो भाई इसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर कोई डिसएग्री करेगा तो वो कुरान से डिसएग्री करेगा, और उसकी हिम्मत किसी को नहीं होती। होता यह है जो मैंने 100% केसेस में देखा कि लोग उस बात से वाकिफ ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कुरान समझ के पढ़ा नहीं, और कोई इस रुख से कुरान उनके पास लेके नहीं गया। आज हम लोगों के पास लेके क्या चीज जाते हैं कि भाई कलमा पढ़ लो, ये सूरतें याद कर लो, मस्जिद आ जाओ, नमाज पढ़ने लगो, रमजान में रोजे रख लो। ये चीजें हैं इस्लाम का हिस्सा, लेकिन व्हाट अबाउट दी अदर पार्ट्स, कुरान के जो और अहकामात हैं। तो ये एक जबरदस्त एक चेंज चली है, और हम उसमें इस तरह से वी हैव बीन स्टक्ड इनटू इट। और इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों को इस गलत फहमी से निकाला जाए कि इस्लाम महज नमाज रोजे या मस्जिद मुसल्ले और तस्बीह टोपी का नाम नहीं है। देयर इज मच बियॉन्ड इट, और पकड़ होनी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक एग्जाम में अगर 200 सवाल आने हैं और आपने 4 सवाल तैयार कर दिए, और जिस ट्यूटर ने आपको ये 4 सवाल दिए उसने गारंटी ले ली कि इसी पे तुम्हारा एग्जाम पास हो जाएगा, तो हमें अपनी अकल इस्तेमाल करनी है।
ये बात मैंने इसलिए कही कि जब मैंने कुरान फर्ज होने वाली बात लेके चला तो बहुत से लोगों ने, और ये व्यू पॉइंट्स हैं, कहीं कहीं लोगों ने लिखा भी है कि भाई ये तो रसूल पे कुरान फर्ज था तो अब इसका क्या किया जाए। तो उसके लिए मैंने दो और आयतें मिला ली। सादा अपना मेरा जो कैंपेन होता है उसमें दो आयतें और शामिल होती हैं। एक आयत ये कहती है कि तबेउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, फॉलो व्हाट इज बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम योर सस्टेनर। जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसकी इत्तबा करो, उसको फॉलो करो, उस पर अमल करो। अल्लाह का हुक्म यहाँ पे मुकम्मल था, लेकिन मजीद आके कह दिया गया कि वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, किसी और औलिया की इत्तबा मत करना, यानी किसी वली की, किसी सरपरस्त की, किसी बुजुर्ग की, किसी सिस्टम की, किसी आइडियोलॉजी की आपको इत्तबा नहीं करनी है, इत्तबा अल्लाह की करनी है। अब इसका क्या काउंटर लाएंगे? तीसरी बात, हम हर नमाज में सूरह फातिहा में दुआ मांगते हैं कि देना सरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा दे। 1400 साल से कुरान में लिखा हुआ है कि वह अन्ना हाजा सराती मुस्तकीम है फत्ता में, बस ये मेरा सीधा रास्ता है, पक्का भी हो, देयरफॉर फॉलो इट। और अगर तुम इस पे नहीं चलोगे, दूसरे रास्तों पे चलोगे, तो वो तुम्हें इससे भटका देंगे, दूर ले जाएंगे। तो ये तीन वर्सेस अगर किसी का जहन बंद ना हो और बहुत बायस ना हो, कुछ ऑब्सेशंस उसके ना हो, तो ये बात क्लियर कर देता है कि कुरान को समझे बिना और अमल करे बिना आप मुसलमान नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी ए मुस्लिम, बिकॉज मुस्लिम का जो मादा है तीन लाम मीम का, उसमें बड़ा कंपोनेंट सम्बिशन का है, इत्तेबा का, इताअत का। इताअत किसकी? अल्लाह के अहकाम की। महज कलमा पढ़ लेने से या मुसलमान के घर में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता, ये वो गलत फहमी है जिससे हमें निकलना है। मेरे ख्याल में मेरा जवाब काफी लंबा हो गया, मोनोटोनस सा होने लगा होगा। मैं इससे मुतालिक देखिए, आपने जो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो ये जो डाइल्यूशन हुआ अंडरस्टैंडिंग में, इट हैज हैपेंड थ्रू जेनरेशंस। तो अब ये तो आप यू आर ड्रॉइंग पैरेलल विद व्हाट हैपेंड विद द चर्च, क्योंकि चर्च के साथ ये कहा जाता है कि यानी जो तौरा को और इंजील को जो तब्दील किया गया वो क्लर्जी के ऊपर उसका इल्जाम जाता है। तो क्या ये हमारी क्लर्जी के ऊपर भी ये इल्जाम है कि उन्होंने फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट इसको एक बहुत ही ऐसी किताब बनाकर जुजदान में रख के ऊपर, हमने यही देखा डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं इसको रिलेट करता हूं कि हमारे माँ बाप ने भी यही देखा, यानी इट टुक अस सेंचुरीज टू ट्रांसलेट द फर्स्ट कुरान इन इंग्लिश, पर्शियन में जब हुआ होगा तब हुआ होगा। तो ये जो बीच की जनरेशन निकल गई, ये अकाउंटेबल कैसे होगी? देखिए, मेरी अप्रोच दूसरी है जी। मैं ये समझता हूँ, मिसाल के तौर पे आपको एक ऑफिस में जॉब मिली जी, और उसका जो काम है उसको बड़ी हद तक आप वाकिफ नहीं है उससे, तो क्या आप ये कहेंगे कि भाई ये मुझे इस चीज की ट्रेनिंग किसने क्यों नहीं दी? मेरे वालदेन ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे एजुकेशन सिस्टम में मुझे इसके लिए तो ट्रेन किया नहीं, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे? आप फौरन सीखेंगे और उस काम को शुरू कर देंगे। तो हमें इस ब्लेम गेम पे नहीं जाना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग हर्ट होते हैं। और कुरान की पहली तालीम यह है कि किसी को ईजा नहीं पहुंचानी, हर एक की इज्जत करनी है। लकत करम ना बनी आदम, हमने हर इंसान को इज्जत के लिए पैदा किया, और उसमें हर मजहब का इंसान है, हर कास्ट का इंसान है। तो मेरी अप्रोच ये है कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूं, ना ऐसे करूं कि किसी को ठेस पहुंचे। हमें ये करना ही नहीं है, क्योंकि मैं जवाबदेह हूं अपने अमल का और अपनी जिंदगी का। मैं अपनी जिंदगी में जब हर चीज सीख सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों ने आपके साथ किया, हमारे साथ क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूं हमने अपने साथ क्या किया। किसने हमसे कह दिया कि हम ब्लाइंड फॉलोइंग करें, अंधी तकलीद करें? हम हर चीज के लिए किताबें और रेफरेंसेस ढूंढते हैं, हमने कुरान को कभी क्यों नहीं खोला? व्हाई डिडंट अकर टू अस कि दिस इज अ बुक ऑफ गाइडेंस एंड एवरीबॉडी सेज दिस इज अ बुक ऑफ गाइडेंस, एंड वेयर इज द गाइडेंस? मैं इसे देखूं तो सही, इतनी मोटी किताब है जिसमें 6000 से ज्यादा वर्सेस हैं, तो क्या इसमें सिर्फ नमाज रोजे की बात है, हज की बात है, या जो रिसेंट एडिशन है उमरा इसी की बात है? तो ऐसा तो नहीं मैं किसी के हाथों में खेल रहा हूं। तो वी आर टू बी ब्लेम्ड, नो वन एल्स।
देखिए ब्लेम गेम पास ऑन करने से डिस्कशन का रुख बदल जाता है। हमें किसी को एनॉय नहीं करना, किसी को बजदन नहीं करना, किसी को बददिल नहीं करना। मुझे तो हर एक से सवाल करना है कि ये किस दलील पे, किस बेसिस पे, मैं किसी की बात नहीं करता, मैंने कुरान को क्यों शेल्फ कर दिया। दिस इज लिटरली शेल्विंग ऑफ कुरान, ये जो जुजदान में लपेट के ताक में रखना है, दिस इज लिटरली शेल्विंग, वी हैव शेल्व्ड इट। डॉक्टर साहब, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि ये जो जिस लेवल जो विजडम इस सवाल को अपने अंदर पैदा करने के लिए चाहिए, वो विजडम, यानी अगर मैं सब कॉन्टिनेंट के उसके हिसाब से करूं, यानी अगर मैं अपना दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड मैं ये करूं कि आप ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल, ये मैं भी समझता हूं, हर मुसलमान जिसके अंदर थोड़ा सा भी आईक्यू जिसका अच्छा होगा वो ये समझता होगा कि भाई दिस इज अ बुक ऑफ गाइडेंस, तो इसको खाली रट लेने से या इसके हर्फ को जो है वो करने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो अंदर से एक क्वेस्ट है इसको यानी समझने की, इस सवाल को समझने की, तो वो डेवलप होते होते तो एक उम्र बीत जाती है। और एक चीज और ये है कि जो अजमी दुनिया है, जो कि नॉन अरब्स हैं, जिनकी मदर टंग अरबिक नहीं है, तो वो यानी मुफस्सिर भी ये कहते हैं कि कुरान को उसके ट्रू सेंस में समझना इसलिए बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कोई भी इंसानी तर्जुमा उसके एसेंस को पहुंच नहीं सकता। देन हाउ डू वी एड्रेस, और दूसरी चीज ये है कि जितनी भी तफासीर हैं वो इतनी एकेडमिक हैं कि एक एवरेज जहन रखने वाले इंसान के लिए ये कैसे पॉसिबल है कि इस किताब को समझे। और एक चीज और इस संदर्भ में मैं जोड़ना चाहता हूं कि आपने एक लेक्चर में कहा कि आपको अरबिक से ताल्लुक स्कूल लेवल के ऊपर हो गया था, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, आपको या तो फ्रेंच पढ़नी थी या अरबिक पढ़नी थी, तो यू ऑप्टेड फॉर अरबिक। हम लोगों को तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें तो अरबिक से जो लिटरल अरबिक है उससे एक्सपोजर नहीं है। और दूसरी बात एक और यह है कि जो अरब्स हैं वो भी अब ये कहते हैं कि जो कुरान की क्लासिकल अरबिक है तो वो उन यानी दे कांट अंडरस्टैंड इट इन इट्स ट्रू एसेंस, तो इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। देखिए एक बात तो ये कि देर से बे जी, आपने जो दो बातें कही कि कुछ लोगों का जिक्र किया कि वो ये कहते हैं कि कुरान को असल मानी में समझना, स्पिरिचुअल समझना, उन लोगों का नाम आपने मुफस्सिर दिया कि वो लोग इस तरह की बात लिखते हैं। दूसरी तरफ आपने उस सराफ कौम के कुछ लोगों का जिक्र किया। अब ये बताइए, इन दोनों बातों को रखिए और सूरह कमर में जिस आयत की तकरार है कि लकद यस्सन अल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, जिस तरह सूरह रहमान में तकरार है फबैयाल रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसी तरह सूरह कमर में तकरार मिलेगी। इसलिए मैंने एक अपने क्लिप में ये बात कही थी कि अब लोगों को चाहिए कि किरत सूरह रहमान की बंद करके सूरह कमर की शुरू कर दें, क्योंकि इसकी ब्यूटी यह है कि अल्लाह ताला एक कौम का जिक्र करता है, फिर ये बताता है कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के अहकाम को छोड़ा, बगावत करी और किस तरह वो अजाब ज़दा हुए, और उसके बाद ये टुकड़ा आता है कि लकद यस्सरन अल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए, है कोई समझने वाला। अब बताइए, एक रब अजीम का कौल है, एक इंसानों को आप कोट कर रहे हैं, तो आप किसको फॉलो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुरान एक अरबी मुबीन में है, खुली कुरान में है। देखिए वही है था ना करने के 100 बहाने, नाचना ना आंगन टेढ़ा। जब आप कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि एक बड़ी अहम चीज है जिसकी तरफ लोग अमूमन तवज्जो नहीं देते, जिससे सूरा की सबसे ज्यादा किरत की जाती है, और मुझे याद है बचपन में दिल्ली में हमारे यहाँ मिस्री और मिस्री कारी खासतौर से आते थे रमजान के दिनों में, और वो जगह जगह इज्तिमा और जलसे होते थे, वो किरत करते थे, तो फेवरेट सूरा रहमान होती थी और फरमाइश करके सुनी जाती थी। अब इसी सूरह रहमान की जरा इब्तिदा तो देखिए,
अर रहमान अल्लम अल कुरान। जरा सोचिए तो सही, अल्लाह ताला अपनी सिफत ये बयान कर रहा है कि उसने कुरान पढ़ाया, तो कुरान पढ़ाता कौन है? कुरान ये कह रहा है कि कुरान अल्लाह पढ़ाता है। अर रहमान अल्लम अल कुरान। अब सवाल ये है कि अल्लाह किस तरह कुरान पढ़ाता है, तो देखिए अल्लाह ताला जो जो चीज़ें पढ़ाता है उसका कुरान में किस तरह बयान है। एक तो आप वाकिफ होंगे अगर अलीगढ़ के हैं कि अल्लाह वल इंसान आलम ही आलम, इंसान को वो पढ़ाया वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था, किस तरह दिया कि तुम सीखोगे तो सीख लोगे। अल्लामा बिल कलम, कलम से लिखना सिखाया। अल्लामा उल बयान, बोलना सिखाया। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ने उसी तरह इनको उसी पैरेलल पर रखी है अल्लामा अल कुरान। तो अब कलम से आप कैसे लिखते हैं कि जब कोई आपके हाथ में कलम देता है सिखाता है और आप पूरी मेहनत करते हैं। आप बोलना कैसे सीखते हैं कि घर में लोग आपको सिखाते हैं, कोशिश करते हैं जब आप बच्चे थे और आप बोलना सीख जाते हैं, फिर आप एक्सपर्टीज करते हैं अपनी लैंग्वेजेस में, एक लैंग्वेज दो लैंग्वेज तीन लैंग्वेज चार लैंग्वेज, देयर इज नो एंड टू इट। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 11 11 12 12 15 15 ज़बानें जानते हो, महार है। तो इसका मतलब क्या है कि कुरान को भी आप अगर उठा के उसे समझना शुरू करेंगे तो फिर तो अल्लाह की जिम्मेदारी आपको समझाने की। तीसरी बात यह कि जिस रब अजीम ने दीन मुकम्मल किया उसने अरबी जबान में अगर किताब उतारी तो क्यों उतारी? सिर्फ इसलिए कि वो रसूल अरब के थे, और दूसरे अरबी जबान में कुछ खसूसियात हैं प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी की, इसकी जो वसतें हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एक लफ्ज़ बयान कर देता है और एक लफ्ज़ बहुत सारी चीज़ों को बयान करता है। यानी बहुत सारी चीज़ें एक लफ्ज़ में आ सकती हैं और किसी एक चीज़ को बयान करने के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं। ये वसतें कुरान में देनी ज़रूरी थी क्योंकि ये हर वक्त की किताब थी, हर दौर की हर ज़माने की किताब थी, और उस दौर के उलूम से इसको समझना था जो तरीका था। इसीलिए कुरान हर रीडर से ये कहता है कि तुम कुरान पे तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिल पे ताले पड़े हुए? अफला यतदब्बुरुन कुरान, हर पढ़ने वाले से कहा जा रहा है तुम कुरान पे तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या दिल पे ताले पड़ गए तुम्हारे? क्योंकि हर इंसान अपनी नॉलेज और इल्म से कुरान को समझता है, और वो जब ये डिजायर लेके कुरान की तरफ बढ़ता है तो फिर अल्लाह का काम शुरू हो जाता है उसको पढ़ाने का, अल्लामा कुरान का। जिस तरह कलम लेके बैठते हैं, जिस तरह बोलना सीखते हैं, और इसके लिए अल्लामा इकबाल ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि तेरे जमीर पे जब तक ना हो नुजूल किताब, गिरह कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। बिल्कुल सही बात। कोई राजी की तफसीर और कोई कशाफ आपको कुरान नहीं समझा सकती जब तक कि आपके जमीर पे ना उतरे। यानी यू नीड ए कनेक्शन विद योर हार्ट। दिल से जब तक कुरान से नहीं जोड़ते नथिंग विल फ्लो। जब तक आप प्लग लगाएंगे नहीं सॉकेट में, बिजली नहीं फ्लो करेगी। जब आप कुरान को समझने की नियत से जाते हैं, और उसमें अरबी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता था कि हर जमाने में पूरे दुनिया में लोग अरबी नहीं समझेंगे, लेकिन वो अपनी जबान में कुरान को समझ सकते हैं इफ दे हैव ए डिजायर एंड विल टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस इट। क्योंकि देखिए कुरान शुरू में ये कहता है कि हुदल्लिल मुत्तकी, जहां शुरुआत हुई अलिफ लाम ज़ालिकल किताबुल रायबा फी हुदल्लिल मुत्तकी, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह के 100% कहने पे चले, यानी जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उनको ना करे और जिन चीजों करने का हुक्म दिया उसको करे, यह है मुत्तकी। तो जब लोग तकवा इख्तियार कर लेते हैं, दीन में आते ही ईमान लाते ही अल्लाह के अहकामात को समझ के उन पे अमल करना शुरू करते हैं, तो वो तकवे के रास्ते पे आ गए। ऐसे लोगों के लिए हिदायत है। मुदल्लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, क्योंकि मुस्लिम तो मुत्तकी होगा, असल चीज तकवा है। क्योंकि बहुत से लोग हमारे जैसे मुसलमान नाम रख के, मुसलमान अपने आप को समझ के तकवे पे नहीं है, क्योंकि वो बेचारे जानते ही नहीं तकवा क्या है। हमारे समाज में तो जो आदमी पाबंदी से मस्जिद ज्यादा दिखता है उसको मुत्तकी परहेज़गार कह देते हम। तो हम ना दीन को जाने, ना सलात को जाने, ना तकवे को जाने, और इस सारे अनजानेपन की वजह क्या है कि हमने कुरान से दूर इख्तियार कर ली। तो देखिए कुरान के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ना जबान की ना मकान की लिमिटेशन। मैं खुद हूं मेरा नफ्स, क्योंकि जब अल्लाह ने काम अपने, और तफसीर की भी बात मैं आपसे बारूं कि खुद कुरान ये कहता है कि इसकी आसन तफसीर तो हक के साथ हम लेके आते हैं, और कुरान तो अपना मुफस्सिर खुद है, और उसके लिए जो कुरान ने हिकमा इख्तियार किया, जिसको कुरान ने बयान किया है, वह तशरीफ आयात।
आप देखेंगे एक ही टॉपिक कुरान में बार बार घूम के आता है डिफरेंट पैराए में। दिस इज कॉल्ड तशरीफ आयात। तो कुरान तशरीफ आयात के साथ अपनी बात को समझाता है। और उसका सबसे बड़ा आप खुद ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको मिसाल तौर पे ये देखना है कि कुरान में औरतों के बारे में क्या अहकाम हैं, तो आप पूरा कुरान पढ़ डालिए और उसमें जहां जहां औरतों का जिक्र है वो सारी आयतें अलग कर लीजिए। उनको समझ के जो आप एक मजमून बनाएंगे वो बेहतरीन होगा अहकाम का डिटेल औरतों के बारे में। तो हर इशू पे पूरे कुरान को देखिए कि इस इशू को कुरान में किस किस पैराए में कहां कहां किस तरह कहा गया है। यू विल गेट द होल पिक्चर। एक चीज को निकाल के आप नहीं कह सकते, आपको इन टोटलिटी देखनी पड़ती है। तो इसलिए सारी बात यही है कि नफ्स जो है ना ये 10 बहाने गढ़ता है, इसकी जबानियों उसकी जबानियों, और ये सब बातें वो हैं जो खिलाफ कुरान है। जब कुरान ने ये कह दिया कि हमने इसको आसान बनाया है कोई समझने वाला, तो दिस इज द फाइनल वर्ड। इसके आगे कुछ नहीं है। इसके अगर कुछ है तो वो सब धोखा है, बहाना है, हैला है, बहकावा है, जिसे कहते हैं ना पतली गली से निकलना। वी आर फाइंडिंग एन एस्केप। समबडी सेइंग कि लैंग्वेज ऐसी है, कोई कहता मुझे अरबी नहीं आती, कोई कहता कुरान की वो अरबी नहीं है जो मुझे अरबी आती है। अरे मेरे जैसा जाहिल और कमतरीन आदमी जब कुरान से कुछ समझ सकता है तो आप सब लोग तो मुझसे बहुत बेहतर हैं। सिर्फ क्या है, द टिल्ट इज नीडेड, द टिल्ट, रुख उस तरफ हो जाए, कुरान की अहमियत को हम समझें और हमारी जिंदगी में इसको वो ड्यू प्रायोरिटी मिल जाए जो मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुरान इज नॉट अवर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी क्या है मुझे कहने दीजिए, सख्त बात है कि जमात ना निकल जाए, भागो मस्जिद। अरे ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ यही हुक्म है? वाहसिन इतना बड़ा हुक्म है कुरान का। अगर एक स्पिरिट निकालनी है कुरान की एक हुक्म में, तो वह वाहसिन, एहसान करो, डू गुड टू अदर्स। और ये ऐसी चीज है जिसके लिए अल्लाह ने दो चीजों की जमानत दी है कि जो लोग एहसान करते हैं अल्लाह की रहमत उनके साथ है और अल्लाह उनको दोस्त रखता है। बताइए इससे बड़ा एजाज किसी के लिए हो सकता है कि अल्लाह उसका दोस्त हो जाए, अल्लाह उससे मोहब्बत करे। युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। एंड एहसान इज डूइंग गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा करो। और वो करना जबान से भी होता है, माल से भी होता है, अमल से भी होता है, हाथ पैरों से भी होता है। एब्सोल्यूट हुक्म है, बहुत बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ी इबादत है ये, क्योंकि ये हुक्म का सेगा है। वाहसिनु, इसी तरह जिस तरह ये हुक्म है कि ला तुफ्सिदु फिल अर्ध, फसाद मत फैलाओ। और आज हम व्हाट्सएप मैसेजेस स्प्रेड करते हैं फसाद फैलाने के लिए, झगड़े दंगों के। हम ये भूल जाते हैं कि कुरान के अहकाम से बगावत कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुरान से हम कनेक्टेड नहीं है। देखिए पूरी जिंदगी हमारी बदल चुकी है। हम लोग नाम के मुसलमान हैं हकीकतन, वी आर बॉर्न मुस्लिम। और यकीन जाने बॉर्न मुस्लिम इज नो मुस्लिम, ये मैं कई जगह कह चुका हूँ। पूरा एक मेरा एड्रेस इस बात पे है, क्योंकि घर डॉक्टर के घर में पैदा हुआ बच्चा कोई डॉक्टर नहीं बनता, बढ़ई के घर में पैदा हुआ बच्चा बढ़ई नहीं बन सकता जब तक कि वो ट्रेड को ना सीख ले। तो इसमें एक बात ये भी आती है, देखिए कि जो आपने शुरू में बात कही थी कि हम कैसे ये जुस्तजू और तजस्सुस पैदा हो कुरान के सिलसिले में, तो यहाँ पे रोल माँ बाप का है। पेरेंट्स बच्चे को अगर क्वेश्चनिंग सिखाएंगे और एंकरेज करेंगे, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डिस्करेज क्वेश्चनिंग। कुदरती बच्चा सवाल करता हुआ पैदा होता है। हम अपनी मसरूफियात की वजह से, चाहे वो जॉब की हो, चाहे सोशल मीडिया से एडिक्शन की हो, चाहे किटी पार्टीज की हो या हैंग आउट्स की हो, हम बच्चों को खामोश करना चाहते हैं। इसलिए टीवी खोल के उसके आगे बिठा दिया, उसे मोबाइल पकड़ा दिया, उसे गेम पकड़ा दिए। ये बच्चों का कत्ल है अरबी की जबान के हिसाब से, दिस इज कतला औलाद। क्योंकि आप उसकी पर्सनैलिटी को सिफर कर रहे हैं। पर्सनैलिटी की ग्रोथ होती है क्वेश्चन से, डिस्कशन से। बच्चों को अगर सवाल की आदत डाल देंगे तो वो सवाल करके खुद दीन को सीख लेगा और कुरान तक पहुंच जाएगा। वो आपसे पूछेगा आप क्यों कह रहे हैं मुझे नमाज पढ़ने के लिए, दिखाइए नमाज कहाँ है। फिर वो आपसे कहेगा कि यहाँ तो सलात का जिक्र है, या आपने जो मुझसे कह रखा है ये चीज है क्या, शोएट मिन द कुरान। फिर आपको उसे समझाना पड़ेगा कि सलात क्या है और अकामत सलात क्या है। एक सेशन मेरा सिंपली कुरान का जो है वो पूरा सलात के ऊपर है, दूसरा जक़ात के ऊपर है। क्योंकि सूरह बकरा की जो शुरू की आयत है ना कि वकीमु सलात वातु ज़कात वरकू मा राकीन, इसमें अकामत सलात की बात की गई है कि ये है क्या चीज।
मैं ब्रीफली यहाँ बता दूं, क्योंकि जो लोग इसे सुनते हैं उनके यहाँ तजस्सुस होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एट दी मोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम नमाज के तौर पर अदा करते हैं ये फॉर्म है, एक शक्ल है जाहिरी निजाम सलात, क्योंकि सलात है अल्लाह के अहकामात को इम्प्लीमेंट करना, टेकिंग केयर ऑफ अदर, जिसमें बड़ी अहम चीज है। तो निजाम सलात का मतलब यह है कि आपने ठीक है जिस तरह से भी अल्लाह की हमदो सना कर दी, जितनी रकातों में आपने चाह करा, उसके बाद आप बैठिए और उस इलाके के जो मसाइल हैं लोगों के उनका हल ढूंढिए। वेलफेयर यानी एक कंसेप्ट जो है मस्जिद की दर हकीकत वो वेलफेयर सेंटर की, जो मस्जिद नबवी थी। मस्जिद नबवी सिर्फ यानी रकातों वाली नमाज की जगह नहीं थी, वहां सारा काम होता था। और फिर ये भी एक नुकता है कि जहां अकामत सलात की बात आती है वहां इताए ज़कात जुड़ के आता है, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। इसके पीछे क्या हिकमत है वो एक अलग डिस्कशन है, मैंने उसमें जैसे मैं कह रहा हूँ सिंपली कुरान के सेशन में किया है, यहाँ ना इसका वक्त है और ना ये इस इंटरव्यू के परव्यू में आता है। लेकिन ये सब वो चीजें हैं कि हमें उनको सोचना चाहिए और उन पे अकल के साथ अपनी फहम के साथ कुरान को समझ के अमल करना चाहिए। तो बेसिक चीज पेरेंटिंग की है कि अगर आप बच्चे को अपने सवाल करना सिखाते हैं और उसको दीन सिखा देते हैं, देखिए जब आप उसे नाजरा कुरान पढ़ाते हैं तो पहली चीज आप उसे ये बता रहे हैं जो उसकी सब कॉन्शियस में जा रही है, क्योंकि रीड एनी डैम थिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जी सही बात, आप पहली तरबियत तो उसे कितनी गलत दे रहे हैं कि आप किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं पूरी अकीदतों के साथ लेकिन समझे बिना। कल को ये चीज अगर वो टेक्स्ट बुक के साथ करता है तो क्या आप उस इम्तिहान में पास करा लेंगे? अनफॉर्चुनेटली यही है डॉक्टर साहब, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी क्रेमिंग को बहुत ज्यादा रटने को और उसको जो है वही चीज जो है वो वहां पे भी फरोख दी जा रही है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे, आपने एक अपने लेक्चर में इस्लामोफोबिया वर्सेस मुस्लिमोफोबिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छी आपने उसमें बात की कि जिसकी समझ में इस्लाम आ गया वो इससे नफरत कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत बहुत उम्दा जो है बात है, समझने वाली बात है। तो डॉक्टर साहब, क्या कोर वजह है कि जो बड़े पीसफुल रिलीजन्स हैं दुनिया के, आप कहीं पे चले जाइए, चाहे वो म्यांमार में बुद्धिज्म हो या अपने मुल्क में हिंदुइज्म हो, इतने टॉलरेंट पीसफुल रिलीजन्स जो हैं ये मुसलमानों के दुश्मन हो गए हैं, तो क्या खता मुसलमानों से, क्या बुनियादी खता क्या हुई है स्पेशली हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव में कि इतना ज्यादा लोग डिसलाइक करने लगे? देखिए बुनियादी खता तो अपनी जगह ये रहेगी कि हमने कुरान को छोड़ दिया जी, कुरान को अपनाया नहीं, कुरान पे अमल नहीं किया जी। मुस्लिम फोबिया इस्लाम फोबिया की बात मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं एक आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं कि वो हमेशा अच्छा बोलता है, कोई उसे कितना बुरा कह दे वो पलट के बुरा जवाब नहीं देता, कोई उसके साथ कितनी बुराई करे वो उसका पलट के बुराई से जवाब नहीं देता, वो उसके पास बैठ के अल्लाह रसूल को बुरा कह देता है तो वो थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाता है, जब तक वो उस आदमी का गुस्सा ठंडा नहीं होता, जब वो नॉर्मल बात करने लगता तो फिर उसके पास आके बैठ जाता है। वो हर एक के लिए पॉजिटिव सोचता है, हर एक की मदद करता है, किसी की गीबत नहीं करता, किसी पे ताने नहीं देता, किसी से झूठ नहीं बांधता और किसी के ईश्वर भगवान प्रभु गॉड को बुरा नहीं कहता, सबकी इज्जत करता है और हर इंसान की बेइंतहा इज्जत करता है। आप मिलना नहीं चाहेंगे ऐसे किसी शख्स से? क्या मैं नाम बताऊं उसका? उस शख्स को हम मुस्लिम कहते हैं। ये कुरानिक डेफिनेशन है इस्लाम की, कुल्ली वादी यकुल्लती हसन, मेरे बंदों से कह दो जबान से जब बात निकाले अच्छी बात निकाले। लेकिन किसने कहा गया कुल लीवादी, जो मेरे बंदे हैं, क्योंकि जो उसके बंदे हैं वो उसके कहने पे चलेंगे और कहने पे चलेंगे तो जबान से कभी बुरी बात नहीं निकालेंगे, ये एक एब्सोल्यूट हुक्म है कुरान का। देखिए कुरान में गुंजाइशें इवन हराम गिजा खाने के लिए भी है अगर जान के लाले पड़ जाए तो, शर्त यह है कि बगावत की नीयत ना हो।
यहाँ ये नहीं कहा गया कि कोई अल्लाह रसूल को बुरा कहे, तुम्हारे सामने बैठ के रसूल अल्लाह के कार्टून बनाने लगे तो तुम उससे बुरा कहोगे, नहीं, आपको फिर भी उससे अच्छा कहना है, यह है कुरान का हुक्म। कहीं ये नहीं कहा गया कि तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे रसूल को, तुम्हारे अल्लाह को कोई बुरा कहे तो तुम उससे बुरा कहो, बल्कि कुरान ने स्पेसिफिकली दो जगह ये बात कही है कि कहीं किसी जगह किसी ग्रुप में किसी महफिल में लोग अगर अल्लाह और उसके रसूल की उसकी आयत का मजाक उड़ाते हों तो वहां से उतनी देर के लिए हट जाओ जब तक कि वो मौजू ना बदल ले, उसके बाद फिर उनसे मिल जाओ। अब बताइए इसके बाद भी कहीं गुंजाइश है क्या, अगर हम कुरान समझे तो? लेकिन हमारे यहाँ तो कुरान पे ना अमल है ना समझ है। अब वो कौन सा इस्लाम है जो रसूल की शान में तौहीन करने वाले को सजाए मौत दे देता है? बताइए, वो कुरान का इस्लाम तो नहीं है। कुरान तो उनसे आपको डिस्कनेक्ट भी नहीं कर रहा, और इसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल को या सिस्टम को बुरा कह रहा है, डेफिनेटली वो सिस्टम को जानता नहीं है। अब उसको बताएगा कौन? आप ही तो बता सकते हैं ना। अगर आप डिस्कनेक्ट हुए तो वो कहाँ से जानेगा? तो यू मस्ट रिमेन कनेक्टेड। अब इसको जरा हिंदुस्तान के कंटेक्स में, अपने मुल्क के कंटेक्स में देख लीजिए क्या हमने ये किया। कुरान स्पेसिफिकली कहता है कि तुम इनके खुदाओं को बुरा मत कहो। बिल्कुल, मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत दफा कहा है, एंड आई मीन इट। मैं कोई अपने आप को सेकुलरिज्म का डंका बजाने या अपने भाइयों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा कि मैं कभी राम नहीं कहता, श्री राम कहता हूँ पूरी अकीदत के साथ। क्योंकि मेरा, मैं अगर मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह के अहकाम से चलना है, तो मुझे तो यही सिखाया गया है। वो मेरे साथ बुराई करें, देखिए अल्लाह ताला क्या कहता है कि बुराई को बेहतरीन भलाई से दफा करो। इज़हार का लफ्ज आया है, यानी किसी और तरीके से दफा नहीं कर सकते आप किसी बुराई को, अनलेस यू डू गुड। और उसके बाद क्या कहा गया आगे कि तुम देख, अगर ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन था वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन गया। लेकिन ये सिफत नसीब नहीं होती सिवाय उन लोगों के जो सब्र करने वाले हैं। अब ये सब्र अरबी वाला सब्र है, उर्दू वाला नहीं है। उर्दू का सब्र जो है वो हाथ पैर छोड़ के गिव अप करने वाला है, अरबी के सब्र में पेशेंस के साथ परसीवियरेंस भी है। डटे रहो, जुटे रहो, लोग तुम्हारे साथ बुराई कर रहे हैं, तुम फिर उनके साथ अच्छा ही करते रहो। एक दिन वो आएगा, वो थक जाएंगे। कुरान की तो टीचिंग ये है। हमारे 16 बयान रहनुमाओं ने हमें क्या याद दिखाई कि वो यूं करेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, तो सर पे चढ़ जाएंगे, हम यूं करते क्या? ये सर पे चढ़ने का फलसफा कुरान नहीं जानता था, खालिक नहीं जानता था जिसने इंसान को बनाया। सिंपली इट इज आस्किंग, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इट इज आस्किंग यू टू हील्ड। और ये तो एग्जाम्पलीफाई किया डॉक्टर साहब, ये तो प्रॉफिट ने अपनी लाइफ में, उनकी जिंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट वाकया है कि वो खातून जो इतनी प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन हेट्रेड का करती थी, तो उनके हाल पूछने के लिए पहुंच गए वो, एंड दिस मेल्टेड हर हार्ट। और इसका एक दूसरा एंगल ये है कि क्या उस वक्त में कोई आशिकाने रसूल ऐसे नहीं थे जो औरत को कत्ल करते थे? रसूल पे कूड़ा फेंक रही है भाई, उस वक्त कोई गाजी साहब नहीं थे? सही बात है, खूब थे। गाजी, गाजी के अब्दुल रशीद क्या नाम था जिन्होंने किसको, किसी अखबार के एडिटर को कत्ल किया था? हिंदुस्तान में बड़े चर्चा, शहीद गाजी अब्दुल रशीद क्या नाम रहा था उनका बाहर, क्योंकि वो रसूल के खिलाफ लिखा करते थे। तो ये चीजें उन्हीं लोगों की है जो जज्बात का ताल्लुक देखिए नफ्स से है, और नफ्स पे शैतान का कब्जा है। तो अगर आप कुरान से देखिए, हमने भी यही किया है हिंदुस्तान के हालात के लिए, आज बड़ी हद तक हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने दूरियां बढ़ाई हैं। सही बात, जब दूरी बढ़ती है तो गलतफहमियां बढ़ती हैं, मिसकंसेप्शंस बढ़ते हैं, नफरतें पैदा होती हैं, फिर दुश्मनी होती है, और फिर उसको लोग कैश कर लेते हैं। भाई आपने मौका क्यों दिया किसी इशू को कैश करने का, आपने मौका क्यों दिया? और आज भी इसका जवाब यही है कि कुरान के तरीके पे आ जाइए, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है आप उनके साथ अच्छा कीजिए, और उनके सेंटिमेंट्स और जज्बात का ख्याल रखिए आप। भाई आप एक बार बताऊं, ये बड़ा इशू रहता है और हमारे यहाँ लोग लड़े मरते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर गोश्त नहीं खाएंगे तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा, और खास तौर से अगर गाय का गोश्त नहीं खाएंगे। ये बताइए कहाँ लिखा है? कुरान ये हुक्म कहता है कि वला तफसदु फिल अर्ज़, जमीन पे फसाद मत फैलाओ, अगर तुम मोमिन हो तो इस बात को जानोगे।
तो अगर एक चीज से फसाद फैलता और उससे बड़ी बात छोड़ी, आपको लकत करम ना बनी आदम करे तो हुक्म है हर इंसान की इज्जत करो। जब आप इंसान की इज्जत करते हैं तो इज्जत सिर्फ उसकी जाहिर की नहीं होती बल्कि उसकी आइडियोलॉजी की, उसकी लाइफ की, डिसलाइक की, थॉट्स की, हर चीज की इज्जत होती है, उसके अकायद की इज्जत होती है। सही बात। तो अगर आप अपने भाइयों की मोहब्बत में ये तय कर दें, डिक्लेयर कर दें कि भाई हम भी एहतराम करते हैं और हम कतई इस फेवर में नहीं है कि गाय को कोई भी छोड़ दीजिए ज़िबा करना खाना है, उसको तकलीफ भी पहुंचाए, वी रेस्पेक्ट योर सेंटीमेंट्स बिकॉज वी आर को सिटीजन्स, हम लोग सब इंसान हैं, इंसानियत का रिश्ता कुरान ने बहुत मुकद्दम कहा है, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते साहब? हम दूसरों की आस्था की, दूसरे जज्बात की इज्जत नहीं करेंगे, वो आपकी नहीं करेंगे। आप देखिए, आज मैंने कल ही न्यूज में पढ़ा, यहाँ तो कम मिल पाती है मुझे, लेकिन पता लगा कि साहब वो कोई ही पे गुरुग्राम में मसला चल रहा था, खुली जगह में लोग जुमे की नमाजें पढ़ते थे, तो सिख भाइयों ने गुरुद्वारे को ऑफर करी, एक हिंदू भाई ने अपनी दुकान दे दी कि मेरी दुकान में तुम नमाज पढ़ लो। तो ये इंसानियत है। बल्कि उसमें एक साहब ने सवाल पूछा था, मैंने ब्लॉग पढ़ा एक साहब का, कि क्या मुसलमान तैयार हैं किसी इमरजेंसी में अपनी इबादत गाहों को हिंदुओं को देने के लिए? इसके लिए मैं एक जाती तजर्बा आपको बताऊं कि मैं इस्लामी फिकह एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ, इस्मानी कर, कि जब भी उनके यहाँ कोई फिकी मसला साइंस या माहौल से मुतालिक आता है तो वो मुझे बुलाते हैं उसको मदद के लिए। तो काफ़ी दिन पहले मैंने गालिबा 3-4 साल पहले मोटिवेट किया, कहा कि साहब ये जो पॉल्यूशन है ये भी फसाद फिल अर्द है, तो इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो एक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन यानी एक जो सालाना इजलास था उसमें एक पूरा सेशन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पर रखा गया, तो उसका कंसेप्ट नोट मैंने बनाया जो फुका को भेजा गया सबको, फिर उस पर सवाल आया और उस सेशन में डिस्कशन होना था और वो था उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। तो जब मुझे खबर आई तो मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि भाई वहाँ हुकूमत तो बीजेपी की है, पता नहीं कैसा माहौल होगा, इन्होंने वहां पे सेशन रख दिया। मैं खैर पहुंचा उज्जैन में क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन करना, तो वहां जाके देखता हूँ तो हर आदमी ऐसे खड़ा है, आइए साहब पधारिए। यानी मैं अपनी ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक रोक देते थे कि भाई आप लोग क्रॉस कर लीजिए, एकदम ऑटो वाले टैक्सी किसे जाओ वो हाथ जोड़ के आइए साहब बैठिए। देखा मैंने, पूछा भाई ये माजरा क्या है? तो लोगों ने बताया कि 2 साल पहले यहाँ पे जैसे एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला होता, वहां पे एक बड़ा धार्मिक मेला होता था हमारे हिंदू भाइयों का, उसमें रात में जबरदस्त आंधी बारिश का तूफान आया और इन लोगों के खेमे और हर चीज उखड़ गई, ये परेशान हो गए, तो उस आसपास के इलाके की तमाम मसाजिद और मराकिस खोल दिए गए, इनको आराम से रखा गया, इनको सरसाह। उस एक दो दिन के वाकये ने 2 साल बाद का मैं ये देख रहा था, इंदौर, सॉरी उज्जैन, मैंने कहा था इंदौर में हुआ था वो सेशन मध्य प्रदेश के, तो ये अपनी आंखों से मैंने देखा है। तो अगर आप अच्छा करेंगे ना, तो कुरान ये कहता है कि कुरान क्यों अच्छाई करने को कहता है बुराई के बदले में, क्योंकि बुराई के बदले में आप बुराई करेंगे तो बुराई कभी खत्म नहीं होगी। आप हर बुराई के बदले में अच्छाई कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पे चलिए, और अगर आप नफ्स के बंदे हैं अपने, और कुरान ये कहता है कि क्या तुम उसे सीधा रास्ता दिखा सकते हो जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो, आयत है कुरान। तो हमें देखना है कि हमारा खुदा नफ्स है कि वो अल्लाह है जिसकी तस्बीह हम पढ़ते हैं और जिसके लिए हम नमाज में जिक्र करते हैं। बड़ी जबानी जमा खर्च है भाई साहब, जबानी जमा खर्च है, इसीलिए सारे हालात आ रहे हैं और हिंदुस्तान में ही पूरे दुनिया में आ रहे हैं। आप जलील ख्वार होकर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि सूरह बकरा में वाज़ह आयत कही गई है बनी इसराइल के ताल्लुक से कि तुम किताब के एक हिस्से पर अमल करते हो और दूसरे पर नहीं करते, तो जो ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलील ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटा दिए जाए। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी आर डूइंग। हमारा कुरान जो है वो नमाज रोजे जक़ात हज उम्रे तक महदूद है। हमारी वहासिनु कहाँ है? अगर हम यकीन रखते वाला तफसीदो फिल अर्थ पे तो आज एनवायरमेंटल मूवमेंट में मुस्लिम लीडर होते, मुस्लिम लीडरशिप सबसे आगे होती। मुझे खुशी है पोप फ्रांसिस ने वो मकाम ले रखा है, उन्हें बाइबल में इतनी टीचिंग्स मिल गई माहौल के मुतालिक, इनको कुरान में कुछ नहीं मिला, कोई आगे नहीं आ रहा।
कोई यूनिवर्सिटीज, कोई सो कॉल्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज जो है, इवन कंट्रीज, दे आर नॉट फोर रनर्स। डॉक्टर साहब, ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू के जिन इंस्टीट्यूशंस के पास दीन के ठेके हैं, अच्छा जो स्कॉलरशिप थी वो कलेक्टिव स्कॉलरशिप जो थी वो तो अंदलुसिया के बाद मेरे ख्याल से खत्म हो गई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ मुस्लिम इस्लामिया इंक्लूडिंग माय अल्मा मेटर, डॉक्टर साहब आई बिलीव आई एम स्ट्रांगली कन्विंस्ड के दे हैव लेट अस डाउन, क्योंकि जो अब जो स्कॉलरशिप निकल रही है वही वाली बात है कि जितने बड़े बड़े उलूम हैं उनमें सिर्फ मौज़िन या घरों में सिपारा पढ़ाने वाले जो मौलवी होते हैं 2,500 रुपए की वो इमामत करते हैं किसी मोहल्ले की मस्जिद में और उससे वो अपनी जिंदगी की वो कराते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर साहब व्हाई हैज दिस फेल्ड? देखिए मैं फिर वहीं पे आऊंगा कि it is not that the institutions have failed us. We have failed ourselves. क्योंकि एक बुनियादी चीज याद रखिए कि अफराद से, बल्कि फर्द से अफराद, अफराद से घर, घर से माशरा, माशरे से समाज बनता है। जो हमारे institutions हैं उसमें कहीं ऊपर से लोग उतर के नहीं आ रहे, वो इसी समाज से उठ के ऊपर जा रहे हैं। और समाज में क्या हो रहा है, तो जैसे फर्द और अफराद, वैसे ही समाज, वैसे ही माशरा, वैसे ही घराना, वैसे इंस्टीट्यूशन, हर चीज वैसी है। आप चले जाइए कंसेंट्रिक सर्कल से बाहर निकलते चले जाइए। तो फर्द की इसलाह जरूरी है और फर्द की इसलाह कुरान से हो सकती है। वी हैव टू क्रिएट पीपल, हमें फिर से मुसलमान पैदा करने हैं और तरबियत देने हैं। बात वहीं से शुरू होगी, आप बीच में से नहीं कर सकते, वरना तो जो मुमलकत खुदाजाद वजूद में आई थी वो इस्लामी निज़ाम कायम कर दी थी। यहाँ जहाँ हम दौड़ के जाते हैं अपना एक फर्ज पूरा करने के लिए, वहां इस्लामी निज़ाम लागू हो जाता। आप बताइए कहाँ है, किस जगह? आप देखिए इस्लामी फिकह एकेडमी के ताल्लुक से तो नहीं, लेकिन हाँ एक इंग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनवायरमेंट पे काम करती थी, उन्होंने एक मुस्लिम सेवियर एक्शन प्लान टू एड्रेस क्लाइमेटिक चेंज, इसके लिए एक सीरीज करी कॉन्फ्रेंसिस की, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ जो है कुवैत की वो शामिल थी। तो कई मीटिंग्स कुवैत में हुई जहां मैं गया, उसके बाद कंक्लूडिंग जो थी वो इस्तांबुल में थी जहां वो डिक्लेरेशन भी हुआ। उस मीटिंग में मैंने ये बात रखी थी जो रिकमेंडेशन में लिखी गई थी के कुरान को कंटेम्परेरी स्टाइल से हर जमाने में समझना चाहिए और उस पर एक नई कमेंट्री हर जमाने के हिसाब से रिलीज होनी चाहिए। जैसे आज की, आज का जो इशू है एनवायरनमेंट का, जो फसाद फिल अर्थ को बयान करता है, ये हमारे तराजिम या जिसका आपने जिक्र किया तफसीरों में तो नहीं मिलता ना, और लोग तो उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो इस नई को लाना किसकी जिम्मेदारी है भाई, जिनके पास पैसे हैं, स्कॉलरशिप है। और उसमें मैंने सजेस्ट ये किया कि ये एक ग्रुप काम करे जिसमें अरबिक लैंग्वेज के भी लोग हों और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हों। दे शुड हैव अ फ्रेश लुक ऑन कुरान एंड दे शुड बी अ कंटिन्यूड प्रोसेस आफ्टर एवरी 2, 3, or 5 years वी शुड ब्रिंग आउट अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। नथिंग हैपेंड, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ, नथिंग हैपेंड। तो बार हम सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदार और जवाब दे अल्लाह का किस चीज का हूँ मैं, वॉट आई डिड, मेरा अमल क्या था, मुझे कुरान पे अमल करने से कौन रोक रहा है, कुरान को समझने से कौन रोक रहा है, मेरा नफ्स ही तो रोक रहा है ना। कहीं वो मसरूफियत होती है, यू नो जॉब बड़ा है, इतना है, घर की जिम्मेदारी है, ये सब बहाने हैं। इफ देयर इज विल देयर इज अ वे। डॉक्टर साहब, बैक टू लिटिल डिफर, कि आपने बड़ा क्लेवरली मेरे जो सवाल से थोड़ा सा इवेड कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है इंडिविजुअल जो वो है वो सही है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, हम उसका परचम उठा के चलते हैं। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट का जो था वो रिलीजन और मॉडर्न एजुकेशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना था। तो वेयर इज दैट बैलेंस?
आज पिछले 50 साल से वी हैव नॉट इवन प्रोड्यूस्ड अ सिंगल इस्लामिक स्कॉलर जो के खड़े होकर के या किसी टेलीविजन में डिबेट में जाकर आप किसी गुफ्तगू कर सके। आपने आपने जो है आप बॉटनी के प्रोफेसर हैं, यू स्टार्टेड ऑन योर ओन, बट वी हैव 5 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स इन आर अल्मा मैटर जो के इससे रिलेटेड है, और अब जो है कुरानिक स्टडीज का शोबा भी खुल गया है। तो अगर ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर इंडिविजुअल तो बहुत बाद में आता है, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रिक, उससे आप बाहर निकल जाइए तो ये तो बहुत बाद में आता है। मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इसको जो है वो प्रोपोगेट करें। सो डॉक्टर साहब, इट वॉज लेट मी कम्प्लीट इट, क्योंकि ये एक बहुत अहम बात थी जो आपने कह दी और मैं इस चीज को अपने ऊपर से धोना भी चाहता हूँ कि मैंने इवेड नहीं किया। मैं उस सवाल को शायद डेप्थ में ले गया था, स्प्रेड कर गया था, लेकिन मैं स्पेसिफिक आपसे बात करता हूँ कि यकीनन इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है और मैं इसको इवेड नहीं करता। उसका सबूत यह है कि मुझे जब वहाँ इनवाइट किया गया था 200 साल मनाने की जो सेलिब्रेशन हो रही थी, तो वाइसन साहब ने मुझे इन्वाइट किया क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ और वहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है। उन्होंने कहा भी हम आप पे दोहरा हक है हमारा, और मोस्ट वाइस चांसलर था मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो वहां मैंने, और वो स्पीच मौजूद है यूट्यूब पे, मैंने दो बातें कही। एक बात तो यही कही कि ये कैसा तालीमी इदारों में आजादी होनी चाहिए और उस आजादी में आपको अपने दीन को समझने की बात करनी चाहिए, और उसमें ये क्या वजह है कि सर सैयद की तफसीर अलीगढ़ में ना छापी ना अवेलेबल है, हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो ये कैसा एकेडमिक लिबरल माहौल है अलीगढ़ का कि सर सैयद की तफसीर क्यों नहीं छपती? एजुकेशनल बुक हाउस पे अलीगढ़ का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है वहां पे वो अवेलेबल क्यों नहीं है? और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि आप कभी भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकते, क्योंकि वहां कुछ मुकर्रिन का जिक्र था, जज्बात से हम बात करते हैं कि इसको हम हार्वर्ड बनाएंगे, ऑक्सफोर्ड बनाएंगे। मैंने कहा जब तक हम उस लेवल की फैकल्टी रिक्रूट नहीं करेंगे, और उसका सिर्फ एक तरीका यह है कि वी शुड डू जस्टिस जो कुरान का हुक्म है इन सिलेक्शन कमेटीज, हमें मिनिस्ट्री के ऊपर वालों के पॉलिटिकल फोन्स पे अपॉइंटमेंट्स नहीं करने चाहिए या अपना करियर देखते हुए अपॉइंटमेंट नहीं करने चाहिए। और यहाँ देखिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रोल के लिए मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैं बहुत बुरा समझा जाता हूँ, मेजोरिटी बुरा कहती है, लेकिन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप में मैंने इस तरह के वो इकदाम किए कि जहां इन चीजों को हम स्ट्रेंथन कर सके। मैं उनकी तफसील यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन आप यकीन जाने मेजोरिटी मेरे से खिलाफ थी। मैं उनका पसंदीदा वाइस चांसलर नहीं था, मुझे वो अच्छा नहीं समझते थे, ना वो साथ वो लोग जो मेरे साथी थे यूनिवर्सिटी में, ना ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वालों के फोन पे तो मैं काम नहीं करता था और ये भी ऑन रिकॉर्ड है। तो यकीनन जो लोग जिम्मेदार हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं फ्रेंकली आपको बताऊं कि मैंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया तो मुझे वहां पसंद नहीं किया गया है, और उसकी वजह से जो कुछ रुकावटें थी, दुश्वारियां थी, वो एक बड़ी वजह थी कि मैंने एक साल पहले रिजाइन करा था यूनिवर्सिटी ने, वो बात हो रही कि मिनिस्ट्री मुझे रिलीव नहीं करना चाह रही थी, मुझे रिलीविंग 4-5 महीने बाद मिली है। लेकिन आई सेड ओके दिस इज डन, मुझे जितना कर सकता था यहाँ कर दिया, अब इससे आगे मैं सिर्फ वीसी बना बैठा रहूं और कुछ कंट्रीब्यूट ना कर सकूं, देयर इज नो पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वीसी आएगा, हो सकता है वो कुछ कर ले, मुझे जगह खाली करके दूसरे को देनी चाहिए। तो ये कब होता है कि जब आपको ऐसे अफराद, देखिए अगर आप हेड बना भी दें ऐसा जो समझदार हो, लेकिन जो अफराद है जिनके साथ आपको काम करना, सारे काम वाइस चांसलर नहीं करता, वी नीड पीपल। अब उसमें चंद लोग थे जो मेरे साथ थे, जज्बे से काम करते थे, मेजोरिटी क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, उनमें कॉम्पिटेंस नहीं है, उनको उर्दू जबान नहीं आती, उर्दू यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं, उर्दू नहीं आती, कैसे काम करेंगे? तो यकीन हुआ मैंने मुखालिफ हो गए, और वो ये कह के तो होंगे नहीं कि साहब हमें उर्दू नहीं आती इसकी बात कर रहे हैं, वो फिर आड़े तिर से इल्जाम मुझ पर लगा के, चार्जेस लगा के, रोज शिकायतें कर रहे हैं, सब कुछ किया, कुछ हकीकत नहीं थी, नथिंग हैपेंड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अफराद, आप अफराद बनाने से पीछे नहीं हट सकते, यू कैन नॉट एस्केप इट, और उसके लिए पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। पेरेंट्स को बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करनी है ताकि ये बच्चा कल को जाके एक अच्छा इंसान बने और समाज में प्रोडक्टिव काम करे। देखिए जो आदमी किसी भी नौकरी पे हो, अगर वो अपने जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर रहा तो वो अच्छा इंसान है ही नहीं, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ ये बाकायदा बाजमात होता है, हाउ डू यू जस्टिफाई?
अलीगढ़ में भी होता है, दोपहर में पूरा अलीगढ़ सो रहा है, क्या वो तनख्वाह सोने की मिल रही है उन्हें? सही बात, आपके ड्यूटी आवर्स है यू मस्ट वर्क। सही बात, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखिए जो भी हेड है उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो अपना काम कर लेगा, लेकिन अगर सुधार चाहिए तो हमें ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो से। और वो है बच्चों की तरबियत, नाजरा कुरान से हटिए, बच्चों को कुरान समझाइए और खुद उनको दिखाइए अमली तौर से अपने घर में उस पर अमल करके कि हाउ यू थिंक फॉर अदर्स। हमेशा अपने लिए नहीं सोचते, हम गरीबों के लिए सोचते हैं उनमें जाकर, और उनको इन्वॉल्व कीजिए जहां कहीं आप ऐसे कार्य खैर पे निकले, बच्चों को साथ लेके जाइए और उन्हें बताइए कि देखो कुरान ये कहता है। तो ये माहौल बनाना पड़ेगा डॉक्टर साहब। मैं नहीं नहीं बहुत आपकी बात से बहुत ज्यादा मुत्तफिक हूँ, और मैं एक चीज आपसे ये रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि इंडिविजुअल एक एफर्ट, वो इंडिविजुअल एफर्ट अपने इंस्टीट्यूशंस को समझाने में या बताने में भी हमें करना पड़ेगा कि भाई उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वी विल हैव टू अगेन टेल देम कि भाई, क्योंकि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है और जो जो फैकल्टीज उनके पास हैं, जो काम वो अंजाम दे सकते हैं डॉक्टर साहब, वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप, मैं या कोई भी स्कॉलर जो है वो कितने कितने यूट्यूब के व्यूअर्स वो करेगा। तो मैं समझता हूं कि दिस इज राइट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई अल्मा मैटर कि जितना कुछ भी जो है वो हो रहा है उसको डायल्यूट करने में उसको बहुत एक सेंट्रल कैरेक्टर निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से देर हो जाएगी फिर। डॉक्टर साहब इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, सवालात अभी भी बहुत सारे हैं, और इंशाल्लाह ये है कि अगर आपने इस लायक समझा और आइंदा भी वक्त दिया तो इसको जारी रखेंगे। फिल वक्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क विच यू आर डूइंग, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे किसी उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया आपका, मैं हमेशा हाजिर हूँ, चाहे यहाँ हूँ या कहीं पे भी हूँ, जब आप कहेंगे मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, और अगर हम आगे बात करते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है। इंशाल्लाह और वो बातें भी है जो मुझे आपसे शेयर करनी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तो करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।